मैंने अपना जर्नी फिल्मों से स्टार्ट किया, उसके बाद मैं वेब सीरीज में गया, अभी मैं फिल्म और वेब सीरीज दोनों में काम करता हूँ। सोचा अब आप एक एक्टर हो, आप चाहते हो कि आप क्लासेस और मासेस दोनों को अपना एक टैलेंट और एक्सपोजर दिखाओ। मैं जो भी काम कर रहा हूँ, चाहे वो वेब सीरीज में हो या फिल्मों में हो, मैं अपने खुद के बलबूते पे कर रहा हूँ। वी डोंट डिसाइड दिस, हम डिसाइड कर ही नहीं सकते, बिकॉज जो चैलेंज हो रहा है वो चैलेंज रियल टाइम में हो रहा है, सबके सामने हो रहा है। वेलकम ऑन फर्स्ट इंडिया। और आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान। वैसे तो बहुत ही उम्दा एक्टर हैं, लेकिन आजकल होस्टिंग में अनिल कपूर और सलमान खान को दे रहे हैं मात। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्प्लिट्स विला 15 के होस्ट तनुज वीरवानी की। वेलकम ऑन फर्स्ट वाओ, आपका ये इंट्रोडक्शन सुन के ना मेरे आंख में आंसू आ गए यार। आपने मेरी कंपैरिजन अनिल कपूर और सलमान सर के साथ किया, बट थैंक यू सो मच इतने स्वीट और धमाकेदार इंट्रोडक्शन के लिए। कैसे हो? बढ़िया। आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है? चल रहा है, काफी कुछ चल रहा है, काम भी चल रहा है और निजी जिंदगी में भी कई सारे बदलाव आए हैं। मैंने शादी करी है, अभी मेरा बच्चा हो रहा है सितंबर के महीने में, तो जोरों शोरों से प्रेपरेशंस चालू है। काम भी सब अच्छा चल रहा है। सो यार, लॉट्स गोइंग ऑन, ऑल गुड थिंग्स। इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले आपको। अब थैंक यू सो मच बात करते हैं स्प्लिट्स विला की। जी। बहुत ही सरप्राइजिंग था आपको देखना स्प्लिट्स विला में। तो आपके लिए कितना सरप्राइजिंग था जब आपको अप्रोच किया गया इसे होस्ट करने के लिए? क्योंकि इससे पहले आपने कुछ भी होस्ट नहीं किया था, आपने वेब सीरीज किया था, फिल्मों में काम किया था। आपके कितना यस सरप्राइजिंग यस था? आई मीन मेरे लिए ऑनेस्टली ये बहुत बड़ा सरप्राइज था, शॉक था एक्चुअली, क्योंकि जैसे कि आपने सही फरमाया, आई हैव नेवर होस्टेड। मैं स्कूल, कॉलेज, इंटरमीडिएट लेवल पे एमेच्योरिशली कुछ भी होस्ट कभी किया नहीं, बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने पहले सोचा कि यार ये पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट जब मुझे पता चला कि एक सनी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी है, ऑफ कोर्स शी इज बीन होस्टिंग सिंस द लास्ट 9 सीजंस, और ये अलग ऑडियंस है, राइट? आई मीन आई थिंक जब आप एक एक्टर हो, आप चाहते हो कि आप क्लासेस और मासेस दोनों को अपना एक टैलेंट और एक्सपोजर दिखाओ। सो आई जस्ट फेल्ट दैट, क्योंकि ये इतना बड़ा एक फ्रेंचाइज है स्प्लिट्सुला, 2008 या 9 से मेरे हिसाब से इट हैज बीन गोइंग ऑन, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए टू टैप इन टू अ डिफरेंट ऑडियंस। एंड जैसे कि मेकर्स ने मुझे इस शो का फॉर्मेट समझाया और ये पूरा एक्सिस का जो एंगल, जो इस सीजन का यूएसपी है, मुझे लगा कि यार आई थिंक इसके साथ हम लोग कुछ कर सकते हैं, खेल सकते हैं। कई मेरे पियर्स और मेरे दोस्तों ने कहा कि यार ये तुझसे नहीं हो पाएगा, तो होस्टिंग कैसे करेगा? तो जब लोग मुझसे कहते कि यार ये तुझसे नहीं हो पाएगा, तो फिर वो मेरे अंदर जो है ना, हमने अभी तो मुझे करके ही दिखाना है। आई डोंट वॉन्ट टू प्रूव एनीथिंग टू यू, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू प्रूव टू माय सेल्फ कि यार ये भी मैं कर सकता हूँ। आई मीन मैंने अपना जर्नी फिल्मों से स्टार्ट किया, उसके बाद मैं वेब सीरीज में गया, अभी मैं फिल्म और वेब सीरीज दोनों में काम करता हूँ। सो दिस वाज डेफिनेटली मेरे लिए एक नया सा चैलेंज था, एंड या आई थिंक रिजल्ट्स सब देख सकते हैं। तनुजी, कहना गलत नहीं होगा, इसमें सबसे बड़ा योगदान सेक्रीफाइस आपकी वाइफ कर रहा है। उन्होंने ज्यादा आपको मोटिवेट किया कि तुम्हें ये शो करना चाहिए। यस 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 तो एक्चुअली तानिया पहले से स्प्लिट्सुला देखती आ रही है, सो शी इज ऑलरेडी अ फैन। तो जब उन्हें पता चला, तो मैंने ऐसे ही कैजुअली बातों बातों में कहा कि यार कल मेरे एक घर पे एक मीटिंग है, तो उन्होंने पूछा कौन सी मीटिंग? हम लगे ये एक शो है स्प्लिट्सुला करके, तो उसको उसको लेकर एक मीटिंग है। सो शी लाइक, ओ माई गॉड, आर यू सीरियस? क्या तुम कंटेस्टेंट के तौर पर जाने वाले? हमने, मैं कंटेस्टेंट के तौर पर कैसे जा सकता हूँ यार, अभी तो मेरी शादी हुई है, मेरी उम्र भी नहीं है जाने का। देन आई टोल्ड कि यार मैं एक्चुअली होस्टिंग के लिए, मैं उनसे मेरी बात चालू है। सो शी इज लाइक, लिसन यू मस्ट डू इट, वैसे भी तुम रियल लाइफ में भी बड़बड़ सबके साथ करते रहते हो और तुम इस शो के लिए परफेक्ट हो। तो शी एक्चुअली गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। नॉर्मली जब आपकी बीवी कहती है कि आप बड़बड़िया हो, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, बट इन दिस केस आई थिंक इट वॉज अ गुड थिंग। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। इनफैक्ट जब हम राजस्थान में उदयपुर में शूट कर रहे थे, तो वो मेरे साथ आए भी थे, तो वो ऑन सेट थे, लाइव देख रही थी कि सब क्या चल रहा है वहां पर। सो शी वॉज वेरी एंटरटेन्ड। तो हर हर सैटरडे संडे को, चाहे मैं हूं या ना हूं या देखूं या नहीं देखूं, वो डेफिनेटली ट्यून इन करके शो देखते हैं। आपने सनी लियोनी के साथ पहले भी काम किया, 7 साल बाद फिर जी, से उनके साथ काम करना कितना सरप्राइजिंग है? अमेजिंग अमेजिंग। ऑनेस्टली जब सनी और मैं पहले मिले थे 2015-16 में, जब हमने वन नाइट स्टैंड फिल्म में काम किया था, तो हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे, और वो पिक्चर की कहानी भी ऐसी थी कि मैं उन्हें बहुत तंग, परेशान, स्टॉक कर रहा हूं, तो
हमारे हमारा जो एक डायनामिक था वो बहुत अलग था। इस बार जब हम मिले थे, यू नो आई फील अब मैं भी काफी मैं चेंज हुआ हूँ। आई हैव बिकम लिटिल मोर मैच्योर, आई हैव गॉट लिटिल मोर एक्सपीरियंस। मैंने काफी काम किया पिछले 7-8 सालों में। एंड सनी ऑफ कोर्स कॉन्सुमेट प्रोफेशनल, वो तो आई मीन शी इज जस्ट डूइंग अमेजिंग फॉर हरसेल्फ। तो जब हम फिर से मिले और रिकनेक्ट किए, सो आई फील इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। और इस बार हम दोनों एक ही साइड से बैटिंग कर रहे थे, राइट, बिकॉज हम दोनों को होस्ट कर रहे थे। एंड आई फील कि ये जो स्प्रिचुला का जर्नी उनकी वजह ही एक्स्ट्रा स्पेशल हुआ है मेरे लिए। उन्होंने बहुत मदद भी करी, बिकॉज उन्हें उन्हें पता था कि यार मैं तो पिछले 9 साल से करती आ रही हूँ, बट ये तनुष के लिए पहला सीजन है। सो यू नो आई वॉज अ लिटिल नर्वस ऑनेस्टली जब मैंने स्टार्ट किया पहले 2-3 दिन के लिए। तो शी रियली रियली हेल्प मी। वो बहुत स्वीट है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब तानिया भी आई थी तो ऑफकोर्स हम बड़े हश हश थे, हम किसी से कह नहीं रहे थे कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, राइट, बिकॉज इनिशियल मंथ्स एंड ऑल। बट सनी को पता चल गया, पता नहीं कैसे पता चल गया, बट वो पता चल गया। तो वो लिटरली हर रोज पूछती कि यार क्या मैं तानिया के लिए कुछ खाना भिजवा सकती हूँ और मैं बना सकती हूँ। शी इज एन अमेजिंग कुक बाय द वे, शी रियली कुक्स वेरी वेल। तो उन्होंने मेरी बीवी का बहुत ख्याल रखा, एंड फॉर दैट आई विल ऑलवेज बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। एंड किस तरह से सेट पर माहौल होता है जब सनी आपके साथ होती है, तो काफी चुलबुली है। पूरे पूरे प्रैंक्स खेलते हैं, हंसी मजाक। एक्चुअली यू नो सनी की खासियत ये है कि वो सबको इन्वॉल्व करती है। जब वो सुबह सुबह आती है सेट पर, तो शी लिटरली गोज टू द दादास, टू द लाइट मैन, टू द स्पॉट बॉयज, टू द टेक्निकल डिपार्टमेंट्स, जो कि 99% ऑफ एक्टर्स नहीं करते। वो आते हैं अपने वैनिटी वैन से सेट पर, आते हैं बोलते अच्छा मुझे क्या करना है, ये वो, एंड वो काम करके निकल जाते हैं। बट शी इज वेरी इंक्लूसिव, और अपने खुद के टीम को, अपने स्टाइलिस्ट, अपने एजेंट, मैनेजर, बॉडीगार्ड, सबको लेकर वो बहुत इन्वॉल्व रहती है। तो आई थिंक उसकी वजह से ना एक परिवार जैसा फील हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स डैनियल के साथ भी मेरे संबंध अच्छे हैं, उनके बच्चे भी आए थे सेट पर 1-2 बार। सो इट वाज वेरी वेरी नाइस। एंड यू नो आई फील कि आप एक्टिंग कैसे भी करो, बट जब आप होस्टिंग कर रहे हो, आप एक्टिंग नहीं कर रहे हो, तो अगर वाइब सही हो तो ऑटोमेटिकली वो ऑरा वो निखर के कैमरा के सामने आ जाती है। बिकॉज यहाँ पे हमारे रीटेक्स नहीं होते, राइट, आई मीन जब हम होस्टिंग करें एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द मोमेंट। यू नो चाहे हमारे रिस्पॉन्सेज या हमारे इमोशंस या जो अलग अलग कंटेस्टेंट्स के साथ जो भी बातचीत हो रही है, इट्स ऑल हैपनिंग इन द मोमेंट। तो आपको प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके साथ एक अच्छा को होस्ट हो, जिनके साथ आपके संबंध अच्छे हो, इट जस्ट बिकम्स मोर काफी इजी इंजॉयबल, एंड आपको लगता भी नहीं कि आप काम कर रहे हो। यू नो यू जस्ट फील दैट यू जस्ट हैविंग अ गुड टाइम। आपसे पहले रणविजय शो को होस्ट कर रहे थे, उनकी जगह जी अपने आप को देखना कैसा फील हुआ आपको? यू नो उनका अपना एक कई बार अलग लोग चेहरा था। मुझसे कहते थे कि यू नो कई बार लोग आके मुझसे कहते हैं यार आपने रणविजय को रिप्लेस किया या आपने अर्जुन को रिप्लेस किया। तो मैं फर्स्टली ये डेफिनेटली क्लियर करना चाहूंगा कि मैंने किसी को रिप्लेस नहीं किया। क्या है कि शो 2008 से चल रहा है। जब शो शुरू हुआ था, आई थिंक इट वॉज निखिल और उसके बाद रणविजय, वो होस्ट कर रहे थे। फिर बाद में सनी आई, फिर बाद में अर्जुन आया, अब मैं हूं। अभी पता नहीं अगले साल या 2-3 साल के बाद और कोई हो सकता है। शो था, है, रहेगा। हम आते जाते रहेंगे, बिकॉज कभी कभी मेकर्स भी चाहते हैं कि एक फ्रेश ब्लड, एक फ्रेश एनर्जी आए, एक दूसरा पर्सनैलिटी आए। तो सब अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज में बहुत अच्छी तरीके से होस्ट करते आ रहे हैं। सो आई डोंट फील यार आई डिडंट टेक दैट प्रेशर, बिकॉज अगर मैं सोचूंगा कि यार इससे पहले अर्जुन आया, उससे पहले रणविजय आया, उससे पहले निखिल आया, आई हैव टू होस्ट लाइक देम, तो मैं उधर ही हार जाऊंगा, बिकॉज मैं फिर नकल करूंगा। बट यह मेरे हिसाब से मेरी जो पर्सनैलिटी है वो मेरी है, जो अर्जुन का पर्सनैलिटी वो अर्जुन का पर्सनैलिटी है, जो रन का पर्सनैलिटी इट्स हिज पर्सनैलिटी। सो आई जस्ट फील कि एवरीबॉडी ब्रिंग्स देयर ओन एनर्जी एंड ऑरा टू द शो, एंड वी शुड जस्ट सेलिब्रेट स्पिरिचुअल। क्योंकि यार 2008 से इतने कम शोज है जो अब तक टिकते आ रहे हैं। यू नो आपको पता है 2-3 साल के अंदर फॉर्मेट स्टेल हो जाता है, लोग आगे निकल जाते हैं, बट दिस इज गॉट सच अ लॉयल फैन बेस। यू नो इनफैक्ट मैं कंटेस्टेंट से बात करता था एक दिन, आई एम लाइक यार अमेजिंग चीज है कि आप लोग आज 19 और 25 के बीच में एज कैटेगरी में हो। जब ये शो स्टार्ट हुआ था आप लोग शायद 10 या 11 साल के थे, इमेजिन। सो इट्स अमेजिंग यू नो इफ यू थिंक अबाउट इट। शो में बहुत फटाफट चीजें हो रही हैं। ट्रिपल एविक्शन भी हुआ, वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हुई है, आई थिंक जन्नत जुबैर और फैजू की एंट्री हुई है, तो उनके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। उनकी यू तो नो मैनेजमेंट ऑनेस्टली काम क्या होता है करते कि हैं। यू नो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, वो जब वो ट्रिपल एलिमिनेशन हो रहा था तो हम लोग को भी उसी टाइम पता चला। वी डिड नॉट नो कि पहले से कि ये ऐसा होने वाला है। ऑफ कोर्स दिस डिस्कशन चालू थे, बट हमारे पास वो इन ईयर होते हैं, राइट, तो प्रोड्यूसर्स जो बैठे रहते कैमरा के उस पार, वो लोग डिस्कस करते हैं और फिर
सडनली बोला ओके गाइस वी आर गोइंग फॉर अ ट्रिपल एलिमिनेशन. और मैं लाइक क्या ओके. तो इट वाज अ सरप्राइज फॉर सनी एंड मी आल्सो. एंड ऑफ कोर्स वेलकम टू जन्नत अल फैज़. आई थिंक दे वर एब्सोल्युटली अमेजिंग. और वो जब शो पर आए, आई डोंट वांट टू से कि किस अंदाज में आए और कंटेस्टेंट्स के तौर पे आए, वाइल्ड कार्ड एंट्री आए, जस्ट एज अ गेस्ट होस्ट आए. मैं नहीं कहूंगा आई वांट यू गाइस टू एंजॉय एंड वॉच द शो, बट जो एनर्जी और पॉजिटिविटी और ऑरा के साथ वो सेट पर आए सारे कंटेस्टेंट्स, कई थोड़े मायूस थे क्योंकि आफ्टर शूटिंग द शो फॉर 3 वीक्स, इतना इमोशनल टर्मोइल, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव ये सब होता है. बट जैसे कि ये दो आए सेट पर, सबके मूड चेंज हो गए एंड दे वर रियली वंडरफुल. सो आई एम रियली हैप्पी कि वी वर एबल टू गेट देम ऑन द शो. हाँ तो जन्नत जुबैर और फैजू के आने के बाद शो का लेवल किस लेवल तक जाएगा? अगर अगर शो का लेवल उनके आने से पहले ये था तो डेफिनेटली यहां तक चला गया 100%. और इस साल भी ऑफकोर्स हमारे पास उर्फी भी है और फिर उर्वशी भी आई है और अभी और भी सरप्राइजेस बचे हैं आप सबके लिए. तो आई जस्ट फील कि हर बंदा और बंदी जो शो पे आया है दे हैव लेफ्ट देयर ओन पर्सनल स्टैम्प और उसकी वजह से स्पिचुला 15 हैज डन सो वेल मेरे हिसाब से. जी तनुज, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कोई भी रियलिटी शो जब आता है, चाहे बिग बॉस हो, स्प्लिट्स विला हो या कोई भी, ये एलिगेशन लगते हैं कि शो बायस्ड है, मेकर्स बायस्ड। स्प्लिट्स विला देख के मेकर्स पे भी लग रहा है कि कृतिका और आई थिंक शिवम को लेकर थोड़े से मेकर्स बायस्ड हैं, उन्हें ट्रॉफी देना चाहते हैं, ओके. फाइनल फिनाले तक लेकर जाना चाहते हैं। तो एज अ होस्ट आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक सिंपल सा चीज कहूंगा. हम जैसे शूट करते थे, हम लोग एक दिन डोम सेशन शूट करते, एक दिन हम लोग चैलेंज शूट करते. अगर चैलेंज में आप नहीं जीतते हो तो इट डज नॉट मैटर कि सनी चाहती है कि आप जीतो या मैं चाहता हूं. पहले तो मैं इन सबको पहले से जानता नहीं हूं, तो आई डोंट नॉट हैव एनी फेवरेट्स. आई लाइक देम ऑल, दे आर ऑल वेरी स्वीट बॉयज एंड गर्ल्स. कुछ थोड़े ज्यादा लड़ाकू हैं, बट ठीक है, वो उनकी खुद की पर्सनैलिटी है. एंड ऑफ कोर्स मैं भी समझता हूँ कि दे वांट टू बी ऑन कैमरा मोर, सो दे हैव टू डू दीस थिंग्स. ठीक है, सब समझते हैं. बट अगर आप चैलेंजेस में अच्छा परफॉर्म करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, तो ही सेफ जोन में आओगे, तो ही बचोगे, तो ही आगे जाओगे शो पर. और वहां पे इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल एंड योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्योंकि हम लोग आके आपको स्पून फीड नहीं कर सकते. सो आई डोंट थिंक इट इज अ लॉजिकल थिंग कि यार कई कई लोग ट्रोल करते हैं सोशल मीडिया पे कि नहीं ये फेवरेटिज्म हो रहा है या दिस शुड जस्ट बी आकृति और जशवंत शो और हर्ष रुशाली शो. वी डोंट डिसाइड दिस, हम डिसाइड कर ही नहीं सकते बिकॉज जो चैलेंज हो रहा है वो चैलेंज रियल टाइम में हो रहा है, सबके सामने हो रहा है. वो हम लोग कट कट करके शूट नहीं करते, दैट्स रियली हैपनिंग. अगर मैं विसिल को लेके इधर उधर भाग रहा हूँ कंटेस्टेंट के साथ, दैट्स ऑल रियल एनर्जी, रॉ एनर्जी. और सिंपल सी बात है ना, अगर आप गेम के फॉर्मेट को समझते हो, चैलेंजेस को समझते हो, सुनते हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और सही पार्टनर को चुनते हो, क्योंकि आप अकेले तो स्प्लिटसुला नहीं जीत सकते हो. मैं सारे कंटेस्टेंट से यही कहता था कि यार यू हैव टू मेक अ कनेक्शन. जब तक आप एक कनेक्शन नहीं बनाते हो, क्योंकि ये एक लव शो है, एक लव को सेलिब्रेट करने वाला शो है, इट्स अ शो अबाउट फाइंडिंग अ कनेक्शन, तो आप आगे नहीं बढ़ोगे. सो आई जस्ट डोंट अग्री विद एनी ऑफ दिस. और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं हूं या सनी हो या हमारे प्रोड्यूसर्स हो, हम फेवरेटिज्म नहीं करते बिकॉज व्हाट डू वी स्टैंड टू गेन फ्रॉम इट. सिंपल सी बात है ना, अगर आप अच्छे हो तो आप टिकोगे, अच्छे नहीं हो, गुड इनफ नहीं हो, या बाकी लोग आपको पसंद नहीं करते तो आप एविक्ट हो जाओगे. सिंपल सी बात है. राइट। तनुज, ये डेटिंग रियलिटी शो है, जोड़ियां कुछ बन के आई हैं, कुछ अंदर बनेंगी, कुछ टूट रही हैं। आपके लिए कितना कॉम्प्लिकेटेड रहता है जज करना? क्या कुछ ऐसे इमोशनल मोमेंट भी आ जाते हैं? नो नो ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. कई कई बार माहौल काफी इमोशनल हुआ है सेट पर. एंड आई वुड लाइक कि हम भी इमोशनल हो जाते हैं बिकॉज आपको पता है कि यार जब जब हम एक्टिंग करें, आपको पता है कि आप चाहे सीन में जितना भी इमोशन दिखाओ बट वो आप एक्टिंग कर रहे हो, राइट? इवन इफ यू एक्सेसिंग इमोशंस फ्रॉम योर रियल लाइफ, बट फिर भी आपको पता है कि यार ये एक स्क्रिप्ट है, ये किसी और की कहानी है और आप बस उसे इंटरप्रेट कर रहे हो. बट यहाँ पर जितनी भी रिस्पॉन्सेज है, रिएक्शंस है, चाहे किसी का एलिमिनेशन हुआ हो या कोई एक चैलेंज में जीता नहीं हो, जो भी हो, इट इज वेरी रियल. तो काफी इमोशनली स्टिमुलेटिंग होता है. और मैंने मेकर से यही रिक्वेस्ट किया कि यार आपने मुझे इस शो के लिए साइन किया, मैं इस पर बिल्कुल बनावटी काम नहीं करूंगा, मैं इस पर एक्टिंग नहीं करूंगा, आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ. आपने तनुज को साइन किया है तो तनुज को तनुज ही रहने दो. तो अगर मैं कंटेस्टेंट्स के साथ हंसी मजाक कर रहा हूँ या उन्हें थोड़ा डांट रहा हूँ या उन्हें समझा रहा हूँ एज अ बिग ब्रदर, मैं ऑनेस्टली दिल से ऐसे ही उनको एडवाइस दे रहा हूँ जैसे कि मैं अपने छोटे भाई या अपनी छोटी बहन को दूँ.
सो दैट्स द सिंपल थिंग. एंड या इट्स बिन, कई बार हम लोग शूट के बाद काफी इमोशनली ड्रेन होते थे, यू नो, बिकॉज आप 4 5 6 घंटे एक साथ खड़े हो और इतने अलग अलग 30 25 30 कंटेस्टेंट हैं शो पर, एंड इट गेट्स प्रीटी इमोशनल. या एज अ तनुज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब जोड़ियां टूटती हैं स्प्लिट्स क्रिया में, तो कुछ आपको पुराने दिन याद आते हैं? कभी आपकी कुछ कोई जोड़ी टूटी हो, हार्ट ब्रेक हुआ है? ऑफ कोर्स यार, आई मीन हार्ट ब्रेक तो आई थिंक हम सबकी जिंदगी में हुआ है, यू नो, लाइक स्कूल से लेके कॉलेज के दिनों में, उसके बाद भी, यू नो, एंड दैट्स द वे ऑफ लाइफ. तो मैं सबको समझाता हूँ कि यार जो भी हो ना, आप एक टाइम पे तो आप ये बंदे या बंदी से प्यार करते थे या उन्हें पसंद करते थे, तो समटाइम्स थिंग्स डोंट वर्क आउट. इनफैक्ट मोस्ट टाइम्स थिंग्स डोंट वर्क आउट. जिंदगी ऐसे ही है, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप, यू नो, नेगेटिव बन जाओ या आप उन्हें कोसो या उन्हें पब्लिकली रिडिक्यूल करो. यू नो, एक एक क्लासी तरीके से भी ये सारी चीजें हो सकते हैं. तो कई कई बार जब मुझे लगता है कि यार ये कंटेस्टेंट्स हद से बाहर कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, तो हम लोग उन्हें समझाते हैं कि भाई पहले तो ये भूलो मत कि आप नेशनल टेलीविजन पर हो, आपके फैमिली मेंबर्स भी ये देखेंगे, आगे जाके 20 साल 25 साल बाद अगर आप ये फुटेज देखोगे तो यू डोंट बी एम्बैरेस्ड कि यार मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों किया. सो आई जस्ट फील कि एक तौर तरीका होता है. एंड हार्ट ब्रेक तो सबकी जिंदगी में होते हैं, यू जस्ट हैव टू, यू नो, जिंदगी में ऐसा है कि यू शुड नॉट बी जज्ड बाय हाउ गुड यू आर ऑन योर बेस्ट डे, यू शुड बी जज्ड बाय हाउ गुड कैन यू बी ऑन योर वर्स्ट डे. जब चिप्स आपके फेवर में नहीं है, आप उस पर्टिकुलर मोमेंट में अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हो सबके सामने, आई थिंक वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा मायने रखती है. आप शो को जब होस्ट करते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपने कभी नहीं किया और सोचा भी नहीं था कि मैं कभी करूंगा, लेकिन इस शो में आपको करना पड़ रहा है? पहली बात तो होस्टिंग, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली कभी लगा नहीं कि मैं होस्टिंग करूंगा. 6 महीने पहले अगर आप मुझसे सवाल पूछे, बोले ये यार ये मैं होस्टिंग होस्टिंग कहाँ करूंगा, यू नो, आई थिंक आज तक, आई मीन स्प्लिट्सविला से पहले मैंने ना तो एक अवार्ड शो होस्ट किया, ना तो किसी की शादी होस्ट करी. आई हैव नेवर होस्टेड एनीथिंग, स्कूल में भी नहीं करता था. सो दैट वॉज अ बिग जम्प फॉर मी. एंड क्या है कि यार मैं बहुत नर्वस था पहले 2 3 दिन के लिए, बिकॉज यहाँ पे रीटेक नहीं होते ना. गलती से कुछ फंबल हो गया या मुंह से कुछ अनाप शनाप निकल गया, तो देयर इज नो रीटेक ओवर हियर. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट. एंड ऑफ कोर्स यार, यू नो, दो दो अलग अलग पर्सनालिटीज होते हैं. यानी कि अगर आप सनी को देखोगे तो चैलेंजेस के टाइम पे, यू नो, शी इज वेरी क्यूट एंड गिगली एंड शी इज वेरी, यू नो, इनकरेजिंग ऑल द कंटेस्टेंट्स. पर मैं तो खुद कंपेटिटिव हो जाता हूँ, बिकॉज आई थिंक वो मेरे नेचर में ही है. तो मैं लिटरली जब चैलेंजेस परफॉर्म करते थे, तो मैं कंटेस्टेंट्स के साथ चैलेंज के बीच में हूँ वहीं पे, यू नो, अपने विसिल के साथ. तो यू नो, आई थिंक दैट इज जस्ट माय एंथुसियाज्म. सो आई जस्ट फील कि ये सारी चीजें मैंने पहले कभी किए नहीं है, बट अच्छा लगा. ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लगा. और स्प्लिट्सविला का पूरा जो एक आध मैंने हमने शूट किया, इट्स अ वेरी मेमोरेबल टाइम फॉर. बिग विजय को काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है बाहर से, कहा जा रहा है कि वही विनर होंगे, आपको क्या लग रहा है? आई मीन मुझे ऑलरेडी पता है कि विनर कौन है, तो आई डोंट थिंक कि मैं ये मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, बट डेफिनेटली. हाँ, हिंट तो दे सकते हैं आप कि कौन होगा? मैं यहाँ नहीं, अगर सी क्या है ना कि अगर अगर मैं हिंट दूंगा तो फिर मजा ही चला जाएगा सबके लिए, आपके लिए पे भी मैं और पूछना सारे आपके व्यूअर्स चाहूंगी, के लिए भी. आपने कहा मुझे पता है विनर कौन है, तो क्या विनर भी फिक्स है? पहले से फिक्स नहीं, था? बिकॉज शूटिंग खत्म हो चुका है ना, इसलिए मुझे पता है कि विनर कौन है. हाँ, शूटिंग खत्म हो चुकी है इसलिए मुझे पता है कि विनर कौन है. बट सी डेफिनेटली दिग्विजय एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, बिकॉज वो डोम सेशंस में भी अच्छी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, यू नो, विदाउट लूजिंग हिज रिस्पेक्ट, जो कि मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है. और उनका भी एक्स शो पर है इशिता, बट वो अच्छी तरीके से बात करते हैं और वो चैलेंजेस में बहुत ही स्मार्ट है. उसे पता है कि गेम कैसे खेला जाता है, कौन से पार्टनर के साथ खेला जाता है, तो गेम के हिसाब से ही डज अ वेरी वेरी गुड जॉब. सो डेफिनेटली दिग्विजय इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर. अगर वो जीतता है नहीं जीतता है वो मैं नहीं कह सकता, बट डेफिनेटली वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स में से एक है. यू नो, आप देखोगे हर्ष शाली, जशवंत आकृति, अरबाज नायरा, ऑल वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स. अभी शिविर भी वापस शो पर आया है. सो देयर लॉट ऑफ डिफरेंट कंटेंडर्स. बट क्या है कि आप, जैसे मैं हमेशा सबसे कहता हूं, आप अकेले ये शो नहीं जीत सकते, यू हैव टू हैव अ गुड कनेक्शन. अगर आप दोनों बंदा बंदी सेम पेज पर हो तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ते हैं, सिंपल सी बात है. आपने होस्ट किया है पूरे शो को, सब जी कंटेस्ट पूरे कंटेस्टेंट की आपने जर्नी देखी, तो अगर आपसे पूछना चाहेंगे तो आप किसे विनर देखना चाहते हैं?
अगेन, अगर मैं इसका जवाब दूंगा तो इट विल बी लाइक मैं बायस हूं कि मैं चाहता हूं कि ये जीते या वो नहीं जीते, तो ऐसी कोई बात नहीं है. ऑनेस्टली सबके अलग अलग स्ट्रगल्स है. ऑफ कोर्स जो जो मेन कंटेस्टेंट्स है जिनकी एक्सेस घर में आए हैं, उनके लिए मेरे हिसाब से ज्यादा चैलेंजिंग है, बिकॉज यार आप शो पे आगे भी बढ़ना चाहते हो, बट आपका जो पास्ट है सडनली प्रेजेंट बन चुका है और वो छुटने का नाम नहीं ले रहा है. सो आई थिंक इट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर ऑल द गाइज एंड गर्ल्स जिनकी एक्सेस आए हैं, बिकॉज वो काफी टॉक्सिक हो ही जाता है. बट एट द एंड ऑफ द डे, सी आप लोग जो टेलीविजन पे देखते हो, यू ऑल सी द फाइनल एडिट, बट जब आप लिटरली सेट पर हो, स्पेशली चैलेंजेस के टाइम पर, और आप देख रहे हो कि कैसे कड़ी मेहनत कर रहे हैं दिमाग से, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, आप समझ जाते हो कि यार हाउ मच दिस शो और विनिंग दिस शो मीन्स टू दिस गाइज. सो आई फील कि यार जब हम लोग सेमीफाइनल्स और फाइनल्स तक पहुंचेंगे, इट इज लिटरली गोना बी लाइक मे द बेस्ट मैन एंड मे द बेस्ट वुमेन विन, बिकॉज तभी ना तो कोई डोम सेशंस है ना तो कोई एलिमिनेशन है. आप अगर चैलेंज जीतोगे आप आगे बढ़ोगे, हारोगे आप आउट हो जाओगे. सो आई थिंक इट जस्ट बॉइल्स डाउन टू दैट. तो कुछ भी हो सकता है, बट मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूं कि सेमीफाइनल्स और फाइनल्स दोनों बहुत ही क्लोज है, और ऐसे नहीं कि कोई आउटराइट विनर बनता है. इट्स वेरी क्लोज और ये किसी का भी गेम हो सकता है. आपने कहा कि आप कभी होस्ट बनना ही नहीं चाहते थे, लेकिन बहुत अच्छा आपने सीजन को होस्ट किया है। तो क्या कॉल वॉल आ रहे हैं? थैंक क्योंकि यू. बहुत सारे रियलिटी शो हैं, तो आपको आ रहे हैं होस्टिंग के ऑफर? यस, एक्चुअली मुझे कई सारे कॉल्स आ रहे हैं फॉर अलग अलग शोज के लिए भी, और अलग अलग अभी अभी रिसेंटली मैंने एक अवार्ड शो भी, IWM बज अवार्ड्स भी होस्ट किया था. वो भी मेरे लिए एक फर्स्ट है, नेवर डन दैट. बट आई थिंक आई एम रियली एंजॉइंग दिस, टू बी ऑनेस्ट. मुझे बड़ा मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है. आप अलग तरीके से अपने पियर्स के साथ इंटरेक्ट भी करते हो, कम्युनिकेट भी करते हो, एंड ट्रस्ट मी, स्पिरिचुअल ऑफ 15 मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल जर्नी रहा है, एंड आई रियली रियली एंजॉयड माई सेल्फ ऑन दैट शो. बहुत मजा आया स्टार्ट टू फिनिश तक. टायरिंग था, इमोशनली ड्रेनिंग था, बट मजेदार था. होस्टिंग तो आपने काफी ज्यादा एंजॉय किया। कभी आपको एज ए कंटेस्टेंट बुलाया जाए तो आप जाना चाहेंगे स्टेज नहीं पे? नहीं मैं नहीं जाना चाहूंगा एज अ कंटेस्टेंट. आई डोंट थिंक सो. बट अगेन आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, बिकॉज अगर कुछ महीने पहले आप होस्टिंग के बारे में भी पूछे, मैं बोलता नहीं 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 मैं होस्टिंग नहीं करूंगा. तो यानी कि जिंदगी में, लाइफ में और इस इंडस्ट्री में कुछ भी पॉसिबल है. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, फिलहाल मैं अपने एक्टिंग करियर पे मैं ध्यान और मैं फोकस करना चाहूंगा. हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम में जी रहे हैं जहाँ पे अलग अलग किस्म के शोज और फिल्म बन रहे हैं. इट्स अ वेरी गुड टाइम एंड हेल्थी टाइम टू बी एन एक्टर. आपको वो बस हीरो का किरदार नहीं निभाना, यू कैन प्ले कैरेक्टर्स, और उसी में खेल में बहुत बहुत मजा आता है. सो आई जस्ट फील आई वांट टू फोकस ऑन दैट, एंड या वी विल सी व्हाट हैपेंस विद द होस्टिंग. एक होता है ना फिक्शनल और एक नॉन फिक्शनल, तो आपने दोनों में हाथ आई रखा। थिंक आज के तौर पे यू यू कैन यू कैन बैलेंस एवरीथिंग. यू लुक एट करण जौहर, यू लुक एट अनिल कपूर, यू लुक एट सलमान सर, सब दोनों बैलेंस कर रहे हैं. सो आई फील एवरीथिंग इज पॉसिबल. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो दिल और दिमाग है वो प्रेजेंट में होना चाहिए. अगर आप होस्टिंग कर रहे हो तो आप तभी होस्टिंग पर ही ध्यान दो, अगर आप एक्टिंग कर रहे हो तो आप उस टाइम में एक्टिंग पर ही ध्यान दो, इधर का उधर मत करो, फिर कंफ्यूजन चालू हो जाए. रियलिटी शो की बात हो रही है तो ऐसे में बिग बॉस कैसे छूट सकता है? एक बहुत बड़ा शो है बिग बॉस। अब इस वक्त जियो सिनेमा पे बिग बॉस OTT सीजन 3 आ रहा है, जिसे अनिल कपूर होस्ट कर रहे हैं। कुछ जी कहना जी चाहेंगे उसके बारे में? कुछ थोड़े से एपिसोड तो दिखाएंगे आप? मैं प्लेजेंटली सरप्राइज था जब AK आए टू होस्ट द न्यू सीजन, क्योंकि आई फील कि ही विल ब्रिंग अ वेरी डिफरेंट डायनामिक. अनफॉर्चुनेटली मैं इस सीजन को ज्यादा फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज आई एम बिजी विथ माई अदर वर्क और कई सारे अलग अलग चीजें चालू है मेरी लाइफ में. बट मैंने ओपनिंग एपिसोड देखा जहाँ पे उनकी एंट्री हुई, एंड आई जस्ट फील दैट दैट मैन इज ऑन अ रोल. यार यार वो आदमी कुछ भी कर सकता है, और वो इतने ईमानदारी और इतने अच्छे तरीके से काम करते हैं ना. इवन द काइंड ऑफ रोल्स दैट ही हैज बीन डूइंग ऑफ लेट, चाहे एनिमल में, चाहे नाइट मैनेजर में, चाहे फाइटर में, और अब बिग बॉस होस्ट करने आए हैं. तो आई आई जस्ट आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट, एंड ही इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग होस्ट. जब आपने एक भी एपिसोड नहीं देखा तो कुछ कंटेस्टेंट्स के बारे में भी नहीं आपको पता? मैंने नहीं मैंने वो सिर्फ पहले वाला एपिसोड देखा जहाँ पे सारे कंटेस्टेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद मैंने मैंने कुछ देखा नहीं है. आपको कभी अप्रोच किया गया एज ए कंटेस्टेंट बिग बॉस के लिए? यस, आई हैव बीन अप्रोच फॉर बिग बॉस इन द पास्ट, पर मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक आई वुड वॉन्ट टू बी ऑन अ शो लाइक बिग बॉस, बिकॉज आई डोंट थिंक आई एम अ गुड फिट फॉर इट. या
नहीं, बहुत जल्द बिग बॉस 18 भी आने वाला है, टीवी वाला, जिसे सलमान खान हाँ करेंगे। तो जाने वाने कुछ प्लानिंग है आपकी? नहीं 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 अब आई पहले डोंट से थिंक पैसा नहीं नहीं करते, बाद में उसमें नजर आ जाते हैं। आई नो बट आई डोंट थिंक यार मैं एक कंटेस्टेंट के दौर पे आना चाहूंगा ऑनेस्टली यार वो क्या है कि आई नो माई सेल्फ एंड आई जस्ट फील कि यार मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ जब मैं या तो होस्टिंग कर रहा हूँ या फिर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ यू नो सो या प्लीज ये एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। हमेशा बॉलीवुड को लेकर नेपोटिज्म के बहुत सारे सवाल किए जाते हैं, तो क्या रियलिटी शो में भी ऐसा कुछ है, या आपने कभी बॉलीवुड में अपने करियर में नेपोटिज्म जैसा कुछ देखा है, फेस किया है? सी ऑफ कोर्स मैं आई मीन यार बिकॉज मैं जिनका बेटा हूँ उसकी वजह से मुझे बहुत सुनने को मिलता है राइट बट धीरे धीरे लोग समझने लगे कि यार मैं जो भी काम कर रहा हूँ चाहे वो वेब सीरीज में हो या फिल्मों में हो मैं अपने खुद के बलबूते पे कर रहा हूँ मैं जाता हूँ मैं ऑडिशन देता हूँ या मीटिंग लेता हूँ एंड इफ दे लाइक मी देन फिर हम साथ में काम करते हैं सो आई जस्ट फील कि नेपोटिज्म भी थोड़ा ओवररेटेड हो जाता है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस आपको एक्सेप्ट करती है ऑडियंस आपको रिजेक्ट करती है आपको शायद और अच्छे मौके मिलेंगे अगर आप एक स्टार किड हो या आपके कॉन्टेक्ट है इंडस्ट्री में बट वो शुरुआत में ही चलता है उसके बाद ऑफ कोर्स मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बट ऐसे बहुत सारे स्टार किड्स है जो नहीं चल पाए हमारी इंडस्ट्री में राइट आई मीन वो सबको पता है और कई सारे लोग जो बाहर से भी आए आउटसाइडर्स है जैसे कि कहा जाता है वो चल गए तो आई थिंक ऐसी कोई बात नहीं है रियलिटी शोज में आई डोंट नो यार बिकॉज मुझे ऑनेस्टली पता नहीं कि कास्टिंग प्रोसेस क्या है ऑफ कोर्स व्हेन दे वर कास्टिंग ऑफ स्पिरिचुअल उन्होंने मुझे कुछ 10-12 ऑडिशंस दिखाए ऑफ द फाइनल कंटेस्टेंट्स पर मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कि व्हाट इज द प्रोसेस बहुत लोग मुझे डीएम करते थे इंस्टाग्राम पे कि यार तनु सर हमें स्पिरिचुअल पे आना है आप कुछ करो मैं बोला कि भाई मैं बस होस्ट हूँ आई एम एम्प्लॉयड बाय द मेकर्स मैं ये सब नहीं कर सकता रियली सॉरी सेंड इन योर ऑडिशन अगर उन्हें पसंद आए तो आप डेफिनेटली शो पर आओगे नहीं तो घर पे बैठो और शो देखो प्लीट्स मिला को होस्ट करते तो आपको फैंस ने देख लिया है, अब किस रंग रूप में नजर आएंगे, किस तरह से आप सरप्राइज करेंगे फैंस को, थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। वेल एक्चुअली मैं अपने अपकमिंग स्लेट ऑफ वर्क को लेकर काफी एक्साइटेड हूँ तो अभी के मेनन के साथ मेरी एक शो है मुर्शिद करके बाप बेटी की कहानी है उसमें मैं एक इंस्पेक्टर हूँ तो दैट शुड बी आउट फेली सून उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर है जॉनी जंपर करके जिसमें मैं टाइटल कैरेक्टर जॉनी जंपर का कैरेक्टर निभा रहा हूँ उसमें बृजेंद्र कलरा जाकिर हुसैन जरीना वहाब और विजय राज भी शामिल है तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टार कास्ट एक बहुत क्यूट रोम कॉम लव स्टोरी है एक पिक्चर है पप्पी लव करके उसमें त्रिदा चौधरी निकिता अम्बुली दिव्या अग्रवाल है और रिसेंटली मैंने एक शो अपलॉस के लिए कंप्लीट करी है उसका टाइटल है DAU डोमेस्टिक एंटी टेररिज्म यूनिट एक मुंबई बेस्ड कॉप ड्रामा है थ्रिलर है उसमें राहुल देव भी शामिल है और मुस्तफा मोमन जो मस्तान सर के बेटे है वो भी शामिल है एंड अभी फिलहाल मैं राणा नायडू सीजन 2 के लिए शूट कर रहा हूँ ऑल द बेस्ट आपके सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू मैम थैंक यू सो मच यार थैंक यू होपफुली अगली बार जब हमारी बातचीत होगी इट विल बी फॉर वन ऑफ माय अपकमिंग वर्क या थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर